All I feel is blue. हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज लैक्मे का फेशियल किट क्रीम। ये लाइट फेशियल किट क्रीम है और देखिए इसके साथ इन्होंने 5 ट्यूब रखी हुई हैं। तो इसमें 1 है हमारी फेस वॉश की और दूसरी है इसमें ये कैटिंग स्क्रब की, कैटिंग स्क्रब है ये, और तीसरी है ये जेल की, ये जेल की है, और फोर्थ है इसमें ये मास्क की, लाइटिंग मास्क का, और फिफ्थ है इसमें ये क्रीम का। इसमें क्रीम लास्ट में दी हुई है। तो पहले मैं इसको एक बार कर चुकी हूँ, इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो सेकंड टाइम कर रही हूँ मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और इसके लिए देखिए मैंने कॉटन लिया है और मैंने ये मेकअप रिमूवर लिया है, गारन का है मेरे पास, और टब लिया है, टब के अंदर मैंने ये मेहंदी डाल रखा है। और इस लॉकडाउन में जो फेशियल कराते हैं अपने 15 दिन के बाद कंटिन्यू फेशियल कराते हैं, उन्हें आदत होगी, तो वो इस टाइम पार्लर सारे बंद हुए हैं। तो आप घर में इसको पार्लर कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी, आप स्टेप बाई स्टेप देखिए और इसे फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो पहले जो क्या है, मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। उसके लिए देखिए मैंने कॉटन ले रखी है ये गारन का मेकअप रिमूवर, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए मैंने अपनी बिंदी चटा दी है, ये जो सुबह मैंने क्रीम लगाई थी वो सारी हट जाएगी मेरे पे। लगता है कि फेस एकदम साफ होता है। देखिए जो लिपस्टिक होती है वो अपनी आखिरी में उठाते हैं। जो मैं स्टेप बताऊंगी वो आप उसे फॉलो कीजिए। देखिए मैं एक बार और साफ कर लेती हूँ, इससे क्या होगा सारा जितना भी है वो सब निकल जाएगा। देखिए देखिए मैंने अपना मंगल सूत्र उतार दूंगी, इससे मैं क्या है जो मेरे गर्दन का जो एरिया है वहाँ पर मेरा अच्छे से हाथ चलेगा, और मैं अपना ये जो अपना रबर बैंड है ये बांध लूँगी मैं। आपका रखे पास घर में नहीं है तो आप हेयर बैंड भी लगा सकते हैं। देखिए ये टाइट हो गया है। अब देखिए जो सबसे पहले है वो अपना मैं फेस वॉश लूँगी, जिसमें उन्होंने फेस वॉश दे रखा है। इसका फेस वॉश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। ये देखिए मैंने इतना ले रखा है। ये देखिए फेस वॉश है, इससे ना मसाज नहीं करनी है, सिर्फ अपना फेस साफ करना है, तो इसको मसाज रूप से ना करें। जो आपको गर्दन का एरिया होता है इसे भी साफ ले लीजिए। ये देखिए देखिए अब मैं अपने हैंकी से इसे साफ कर दूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, आप जैसे आप फेशियल कराती हैं पार्लर में तो अगर ऐसे गर्दन पे जो आपका ये एयर एयर होता है इसे साथ में ही साफ़ किया जाता है, क्लीन कर लेते हैं,
नहीं तो क्या होगा कि जिससे हमारा फेस एकदम क्लीन लगेगा, लेकिन हमारी गर्दन और कान हमारे एकदम मैले से लगेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए ये मैंने कर लिया है, अब मैं सेकंड वाला ट्यूब लूँगी जिसमें मैंने स्क्रब दे रखा है, ये देखिए हमें इतनी ही क्वांटिटी लेनी होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे फॉलो कीजिए। देखिए ये मेरा फोरहेड है, ये देखिए ये जो हमारा जो ये चिक एरिया है, ये हमें ऊपर की साइड लेना है, नीचे की साइड नहीं लेना, ऐसे। ये जो हमारी जो जॉ लाइन होती है, ठीक है, ये आपके गर्दन आगे, देखिए फ्रेंड्स मैंने ये जो टॉवल नहीं लगाया है क्योंकि मुझे आदत है करने की, तो पानी में उतना ही लूँगी जितना मेरा हाथ पर रहेगा। अगर आप इसे कर रहे हैं तो इसे टॉवल लगा लीजिए, मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं लूँगी जैसे मेरा सूट गीला होगा। अब देखिए ये मेरा, ये देखिए एक स्टेप को 3 बार करना है, देखिए जो हमारी नोज पे यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके लिए हथेली को हमें ये जो है इसको हमें राउंड शेप में घुमाना है। ये देखिए हमें अपने आईज़ को रिलैक्स देने के लिए जो हमारा ये पॉइंट ये हमारी जो होती है आईब्रो होती है इस पर मैं इसको साफ कर दूंगी।
What we do here is go back, 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 back.